व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मटन कोफ्ता। बहुत ही सादा और आसान तरीके से मैं बनाती हूँ अपने स्टाइल में। चलिए आइए शुरू करते हैं। चाहिए कोफ्ते बनाने के लिए 1 किलो कीमा लिया मैंने, ये खशखाश ली है 1 टेबल स्पून, ये सफ़ेद चने भुने हुए चने लिए मैंने, इसके छिलके उतार लिए, ये तकरीबन 50 ग्राम है। सब्ज मिर्च ली है 1 अदद, वो मैंने चॉप कर ली है। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था और 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून रेड चिली है, 1 अंडा है, ये ऑप्शनल है, अगर कोई नहीं पसंद करता तो बेशक ना डाले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने चने और खशखाश को ग्राइंड कर लूँगी। खशखाश डाल ली है चॉपर में, ये मैं 10 गिरियाँ ले रही हूँ बादाम की, ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल लें, मैं डाल रही हूँ इसमें, मुझे पसंद है, इसमें बहुत मज़े के और बनता है ये मसाला। तो अब इन्हें ग्राइंड करते हैं। चने, बादाम और खशखश बहुत अच्छे से पिस गई है, बिल्कुल पाउडर की शेप में आ गई है। अब हम अपना दूसरा मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने चॉपर लिया है, इसमें मैं प्याज जो एक मैंने चॉप किया था और 1 सब्ज़ मिर्च, इन दोनों को मैं चॉप कर लूँगी। ये हमारा प्याज और सब्ज मिर्च बहुत अच्छे से चॉप हो गई है। अब मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी। हमारा कीमा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है प्याज और सब्ज मिर्च के साथ। अब हम इसे अपने बॉल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये मैंने जो चने पीसे थे चीज़ें डाल के, बाकी ये मैं थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी। आप क्वांटिटी के हिसाब से डाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली ली है, सुरख मिर्च ली है और 1 अंडा लिया है, ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं पसंद करते तो बेशक ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डाल लें तो अच्छा है, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 अंडा। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लें, 1 चम्मच और डाल रही हूँ, तकरीबन 4 टेबल स्पून थे जो बनाया था मैंने, पीस ग्राइंड किया था पाउडर चनों का। ये थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं 1/4 टीस्पून नमक और डाल रही हूँ। ये हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, सारे मसाले इसमें अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। आप अगर तेज़ नमक मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, जैसा आप मसाला खाना चाहें। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करते हैं। उनके बराबर कीमा लिया मैंने और ऐसे हम इसका बोल बनाएंगे। ये हमारा बहुत अच्छे से कोफ्ता तैयार हो गया है। आप छोटे रखना चाहें छोटे भी रख सकते हैं, लेकिन ये साइज बहुत मुनासिब है। ऐसे ही हम अपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं, अब हम इसे पकाते हैं। ये मैं डायरेक्ट कुकर में डालूंगी, मैंने कुकर लिया है, इसमें हम अपने सारे कोफ्ते रख दूंगी, कोफ्ते इसमें ऐड कर लिए। ये आप ऐसे बना के आप फ्रीज भी कर सकती हैं, जब दिल करे निकाल लें और पकाएं। ये मैं प्याज डाल रही हूँ, 2 प्याज लिए थे मैंने, नॉर्मल चॉप कर लिए, 1 टमाटर लिया था छिलका उतार के मैंने, वो भी चॉप कर लिया था, दो टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये मैं सुरख मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। यार मैं कोफ्ते अपने बहुत प्यारी व्यूअर्स के फरमाइश पे बना रही हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ 1 टीस्पून, ये मैंने रोस्टेड जीरा लिया है, मैंने रोस्ट करके इसे ग्राइंड कर लिया था, ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं कुकर बंद कर दी है, बस सारी चीज़ें डाल दी हैं।
मैं कुकर बंद कर रही हूँ। चूल्हा चला दिया मीडियम मीडियम आंच पे और मैं इसे 10 मिनट वेट 10 मिनट वेट दिया। अब मैं इसे कुकर को खोलती हूँ। ये देखिए हमारे बहुत अच्छे से कोफ्ते तैयार हो गए। भून लेते हैं घी डाल के। मैं अब इसमें ऑयल डालूंगी, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। कोफ्ते भूनते हुए हम ये 2 सब्जियां ऐड करेंगे, डाल के इसको साथ भूनेंगे। बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी करने के लिए पानी डालेंगे। तीन ग्लास पानी डाल दिए। अब अपने हिसाब से अगर ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं पानी। मुझे ग्रेवी की चाहिए ज़रा थोड़ी सी गाढ़ी किस्म की, तो बस मैंने इतना ही पानी डाला है। अब मैं 5 मिनट के लिए इसे पकने दूँगी। ये माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बहुत मज़े के तैयार हो गए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप इसे चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जैसे आपका मन चाहे आप इसके साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। चलिए हम डिश आउट करते हैं। हमारे कोफ्ते डिश आउट हो गए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। मैंने गार्निश कर लिया है। बनाएं, खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। आप इसे चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ, हर चीज़ के साथ ये अच्छे लगेंगे, जैसे आपकी मर्जी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।